हां जी जी द्वारा से राधे राधे महाराज जी महाराज जी मैं लोगों को आत्मा के दृष्टिकोण से उनकी वास्तविकता बताता हूं कि ये दुख तुम्हारे ही कर्म का परिणाम है फिर भी लोग मुझे गलत समझते हैं मैं उनकी आत्मा को कैसे जगाऊं उसे लोगों को जगाने की बात छोड़ के दे अपने को जगा लो तुम तो समस्या का समाधान हो जाए आप आत्म तत्व को जानते हैं आत्म तत्व के ज्ञाता हैं आप जी समझ क्या है आत्म तत्व तत्विक वास्तविक मतलब वास्तविक सत्य है एक है क्या आपके कहां है कौन है आपने अनुभव किया सत्य तो परमात्मा है ही है सब कोई जानता है ये तो गांव की गली के भी जानते हैं कि राम नाम सत्य है सत्य बोलो मुक्ति है जब मुर्दा ले जाते हैं बोलते ना राम नाम सत्य है सा। आत्म तत्व का बोध क्या है आप बोध मतलब समझा नहीं करता है बोध मतलब अर्थात बोध करता पढ़ाई लिखाई के नहीं तुम वेदांत पढ़ लिये दूसरे को ज्ञान देने चले खुद को पता नहीं दूसरे को इंजेक्शन लगाओ दवा का पता नहीं तो बीमार तो कैसे ठीक होगा कैसे तुम्हारी बात मानेगा का बोध है आपको जी की मतलब मेरे अंदर जो साक्षात भगवान विराजमान है उनका साक्षात्कार आपने देखा है आपने अनुभव किया मतलब ऐसा मतलब बहुत तेजस्वी है और ऐसा लगता है कि नहीं ये कोई बात थोड़ी तेजस्वी तो भगवान सुन

एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति सर्वम खलमेदम ब्रह्म वो ब्रह्म अहम अहम ब्रह्मा अभी अरे नाम जप करो और पहले अपने आप को जीतो काम विजयी हो क्रोध विजयी लोभ विजयी क्योंकि आत्मस्वरूप निर्विकार है नहीं स्वात्मा रामम विषय कृष्णाम परम तुम्हें धन्यवाद देते हैं इस बात का कि नौजवान होकर अध्यात्म के विषय में जानना चाहते हो भगवान के मार्ग में चलना चाहते हो भगवान ने तुम्हें साधुसंग दिया है तो उसका रंग अपने ऊपर चढ़ाओ और जब खुशबू आ जाती फूल में तो भौरों को लाभ अपने आप मिलने लगता है और निमंत्रण नहीं देना पड़ता भौरे अपने आप आने लगते हैं और पराग लेकर के तृप्त होने लगते झूमने लगते हैं तो पहले नाम जप करो और हर इंद्री पर नजर रखो कि वो सत में है या असत में है मन संसार में भोगों की तरफ जा रहा है या परमात्मा की तरफ जा रहा है और वो परमात्मा स्वरूप जब बोध होगा तो वो जीव का स्वरूप है आत्मा जो स्थूल से सूक्ष्म से और कारण से तीनों से अलग है और अभी सारा का सारा दारो मदार शरीर पे है बच्चा अभी तुम शरीर में स्थित हो स्वरूप में स्थित नहीं है नहीं जैसे डॉक्टर देख के बता देता है ना पीलिया है कि नहीं है रोग है कि नहीं ऐसे अभी स्वरूप बुद्ध थोड़ी हुआ है अभी तो पढ़ लिख के बात कर रहे हो स्वरूप बुद्ध थोड़ी हुआ है जब स्वरूप बोध हो जाएगा तो तुम्हारे चेहरे का तुम्हारे नेत्रों का तुम्हारी भाषा का परिवर्तन हो जाएगा चलो असलियत में चलो तो योद्धा बन जाओगे माया पर विजय प्राप्त करके अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा स्वरूप बोध होने के साधन पहले लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य फिर विवेक ऐसे जोर का जो सत में स्थित करके असत का त्याग करा दे फिर इंद्री विजय सम दम मनोनिग्रह तितिक्षा गर्मी सर्दी मान अपमान सुख दुख लाभ हान सब समान भाव से सहने वाला समाधान चित्त परमात्मा में स्थित भारी मुमुक्षता मैं कैसे ब्रह्म तत्व को प्राप्त करूं भारी मुमुक्षता व्याकुलता घोर वैराग्य उसे दूसरा कोई दिखाई देता है अभी अच्छा भक्ति में हो बच्चा चाहे ज्ञान में हो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे में अभी तुम खुद ही स्वाद नहीं लिए बच्चा और तुम स्वाद देने चले हो यही तो गलतियां हो रही बहुत इच्छा खा नहीं और बस बिना वैराग्य के ज्ञान कहा बिन विवेक वैराग्य भक्त बिन सत्य नए को मानो भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो अगर अंदर हमको नहीं हुआ हम दूसरे से बात करें तो पाखंडी का आ जाता है और आज इसके बहुत बोल वाला है पाखंड का बच्चा तुम अच्छे साधक बनो नाम जप करो शास्त्र स्वाध्याय करो और सब में भगवत भाव करो और भी उपदेश देने की बात मत करो चुप हो जाओ पहले अनुभव कर लो तब फिर आगे खुद प्रकाश होने लगेगा और अगर यही शुरू कर दिए तो चार लोग तुम्हें नमस्कार करेंगे बढ़िया तो ज्ञानी हो धर्मात्मा हो ऐसे लेकिन हाथ कुछ नहीं लगेगा हमारी बात मान लो तो चल लो अब आप भगवान ने भेजा है हमारे पास तो इसीलिए तो भेजा है नहीं हमने तो बुलाया नहीं हम तो किसी को नहीं बुलाते पर भगवान ने भेजा इसलिए सत्य मार्ग में चलो ठीक है अभी इंद्रिय पर विजय प्राप्त तो हुई नहीं मन पर विजय प्राप्त हुई नहीं तो स्वराज्य सिंह आसन पर कैसे बिना सेना को मजबूत किए और विपक्ष को जीते राजा विजय कैसे हो गया आप विचार करके देखो हम तो ऐसे घर की तरह बात करते हाँ इंद्रिया और मन ऐसे शांत हो जाए जैसे दीवार घड़ी के से लटा दो तो मिनट की सुई, मिनट में सेकंड सेकंड हिलेगी भी नहीं हट गया ला, भी नहीं ऐसे दुर्वासना भस्म हो गई मन और इंद्रिया और बुद्धि सब परमात्मा स्वरूप में स्थित वो व्यवहार फिर जो करता है वो परमात्मा स्वरूप व्यवहार होता है उसकी वाणी उसका दर्शन उसकी चेष्टा सबको भगवत प्राप्ति की तरफ खींचती है सबके पाप नष्ट होते हैं सतरत्य सतरत तो अच्छे बनो वही बनने के लिए तो भगवान ने तुम्हें तो सच्चे बनो बहादुर बनो वास्तविक ब्रह्मभूत प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहो कि भगवान की सत्संग सुनो शास्त्रों का स्वाध्याय करो नाम जप करो दूसरों की सेवा करो और गुप्त रहो अभी अभी प्रकाशित मत हो और गुप्त रहे तो आगे चलकर मजबूत पहलवान बन जाओगे फिर परास्त कर दोगे विकारों को और जिसको पकड़ोगे उसको खींच के बाहर कर दोगे अभी नहीं अभी नहीं अभी चुप रहो शांत रहो बहुत अच्छे बच्चे हो पर सतमार्ग में आगे बढ़ो अभी ठीक है किसी को उपदेश ऐसा अगर कभी कोई मित्र है तो उसको ऐसे उपदेश दिया जाता है कि हम सत्संग सुने थे तो उसमें संत जी बोल रहे थे कि अगर जीव अपना कल्याण चाहे तो ऐसे ऐसे ये व्यक्त नहीं होना चाहिए कि ये मेरा उपदेश मैं अपने को बहुत छोटा मानकर दैन्य मानकर की बात बताता है गीता जी की बात बताता हूँ हाँ और शांत अभी मुझे लगता है कि इस रोग में मत फंसो नहीं तो देहाभिमान पुष्ट हो जाता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ बड़ा सूक्ष्म होता है महान के लिए थोड़ा सहनशीलता चाहिए और उस पहले थोड़े दिन गुप्त बनो प्रचार कहते मत जो जाना उसका स्वाद लो पहले अब अपने लोग जैसे मात्र दस वर्ष से शुरू होगा ये जो हुआ है त्यारह वर्ष की अवस्था से वो पूरा जीवन अब पचपन साठ की जो अवस्था बीच में जो गुप्त रहे किसी ने जाना नहीं कि कोई बाबा जी है भी अब ये दस पांच साल से जब जाने का समय किडनी फेल है तो भगवान कह रहे दे दे सेवा में आ गए नहीं ये उद्देश्य कभी साधक नहीं रहे इसलिए बहुत आए बहुत बहुत चीजें सीखा भी हूँ आकर्षण बहुत जोर का माया कैसे शिव विरंश मोह है सिव, सिव को है बपुराल है ज्ञानी नाम चेतान से देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रक्षति बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त में क्षोभ पैदा कर दे बिना किसी महापुरुष के शरण में गीता भगवान ने कहा तृष्णया प्रणिपात महापुरुष के शरण में उनकी आज्ञा से साधन करते हुए अभी तुम्हारे शरीर की कितनी अवस्था है इक्कीस वर्ष हाँ सुखदेव तो जी थोड़ी सोलह में के, वैसे निकल के अभी में लगो, यार, साधना में लगो गीता जी को जी, गीता जी कम से कम जिस विषय में लगो उसके मर्मज्ञ बनो गीता जी को कंठस्थ करो रोज पूरी गीता का पाठ करो और गीता में जो भाव है उसको अपने जीवन में उतारो फिर दूसरों को दे पहले हम तो छक ले आजकल क्या होता है भोजन बनाने की प्रक्रिया याद कर ली और दूसरों को भोजन बनाने का उपदेश करें तो पहले एक बार भोजन जैसी प्रक्रिया पड़ी ना वैसा बना के खा के और फिर स्वादयुक्त तो बोलो तब बढ़िया बात रहेगी और आजकल ऐसे ही होता है शास्त्र पढ़ लियो प्रवचन कर रहे और उसका जो लाभ है वो लाभ नहीं मिल पाते बहुत गंभीर रहो दैनिय रहो और गीता का उपदेश है सब में भगवान को देखना तो उपदेश किसको देते हैं मतलब जैसे वो एक एक तरीके से अपनी आत्मा को जानते ही नहीं सामने वाले और नहीं जानते आप ही नहीं जानते अरे वो आपकी आत्म तत्व तो है आपको जानना है आप उन्हें अज्ञानी देख रहे हो तो आप गलत देख रहे हो आपका दृश्य सही नहीं है जो देखने की प्रक्रिया वो सही नहीं है इससे वो गलत काम कर रहे हैं में। वो आप गलत देख रहे हो ना त्रिगुण माया के तीन खेल हो रहे हैं और वो परमात्मा कर रहा है आप परमात्मा देख रहे हो मत्ता परतरम तरम नान्य किंचित धनजय इसी श्लोक को पढ़ा है गीता बात पढ़ी है पर मुझे ये श्लोक याद नहीं विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गव्य हस्तनी सोनिचो सुपाके चा पंडिता समर्शिना याद है श्लोक इस्लोक जानते हो श्लोक याद नहीं मैंने अरे मैं कुछ नहीं याद है तुम्हें आपका काम बता अखाड़े में नहीं कूदे अभी अभी किसी फकीर के अरे <laughs> बच्चा गुरु मेहरवाल तो चेला पहलवाल पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाती है भगवान जब कृपा करते तब इस रास्ते को नाम जब करो शास्त्र स्वाध्याय करो सत्संग सुन जी सोनिया जी पानीपत से श्री हरिवंश महाराज जी महाराज जी तीन गुणों में सतोगुण भजन में सहायक है तो क्या हम सतोगुण को प्रयत्न पूर्वक ज्यादा कर सकते हैं क्या करना ही चाहिए जल, सतोगुनी भोजन, दृश्य, चिंतन तो हमारा भाव बढ़िया बनता रहेगा अगर हमारा दृश्य जैसे मोबाइल में गंदी बातें देखना प्रपंच देखना तो गंदी बातें देखना तमोगुण प्रपंच देखना रजोगुण अगर मोबाइल से हम सत्संग सुन रहे हैं तो रज और मिश्रित रजगुण रजोगुण और सतमिश्रित तो हम अगर अधिक से अधिक सतोगुण संग्रह करें तो हमारा भजन भाव बढ़ेगा फिर सतोगुण में ही नहीं टिके रहना गुणातीत होना किसका प्रश्न है हाँ सतोगुण से भी ऊपर उठना है भगवत प्राप्ति गुणातीत को होती है त्रिगुण के अंतर्गत नहीं सतोगुण थोड़ा बढ़ेगा रजोगुण दबा करके तमोगुण बढ़ा सकता है हर समय गुणों का हमें गुणातीत होना है इसलिए निरंतर नाम जप करना है सहायक सतोगुण गुण है तो सात्विक भोजन सात्विक वातावरण सात्विक ग्रंथ सात्विक बोलना सात्विक तो ये सब होता है अब जैसे कुएं का जल है बड़ा सात्विक है अब जैसे घर का रोटी दाल बना के भगवान को अर्पित करना सात्विक है होटल का रोटी दाल रजोगुणी है और फिर ये जो और के को एक के सब ऐसे ये सब तमोगुणी है तो अगर हम रजोगुणी तमोगुणी भोजन करेंगे तो भजन नहीं होगा विचार हमारे रजोगुणी और तमोगुणी होंगे भगवान की प्राप्ति में बाधा हो जाएगी तो हमें चाहिए सतोगुण का संग्रह करें पर गुण में टिके नहीं रहना हमें भजन बल रखना है कि गुणातीत होना है तीनों गुणों से परे होना है भगवान त्रिगुणातीत हैं और तीनों गुणों से ये सब आकार दिखाई दे रहे हैं मायाकृत है थोड़ा सहयोगी सतोगुण है पर सतोगुण भगवान की प्राप्ति ही हो जाएगी इससे निगुणातीत होने पर भगवान की प्राप्ति होगी सतोगुण में भी बंधन है दया आदि बंधन है ममता आदि बंधन है तो सतोगुण का भी गुणातीत स्थिति में भगवान गुणातीत है भगवान कह रहे हैं त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्गुन तीन गुणों का वर्णन वेद करते तुम वेदातीत त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त करो इसलिए खूब नाम जप करो सुनो, का स्वाध्याय करो खूब परिवार की धर्मयुक्त सेवा करो सेवा से शरीर पवित्र होता है और नाम जब से अंतःकरण पवित्र होता है शास्त्र स्वाध्याय सत्संग से बुद्धि पवित्र होती है तो आप परम पवित्र हैं ऐसा अनुभव हो जाएगा आपका जो भगवान का अंश है ना चेतन अमल सहज सुखराशि वो परम पवित्र स्वरूप है परम पवित्र से ही परम पवित्र भगवान की प्राप्ति होती है। आदे आदे। अभी बताया ना आपको नाम जब जी नामन मंगल लोक सुहरी पद कर भगवान का आश्रय लेकर नाम जब करो तो उससे तुम्हारा अंतःकरण पवित्र होगा मन पवित्र होगा शरीर से सेवा करो तुम्हारा शरीर पवित्र होगा जब हम हो सत्संग सुनते हैं शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो बुद्धि पवित्र होती है उसके पवित्र विचार होते हैं तो बुद्धि हमारी फिर त्रिगुणातीत होती है जब हम भगवान से जुड़े रहते हैं ना मैं मन आधत्व मई बुद्धि संसया भगवान करे यदि जो साधक अपना मन बुद्धि मेरे में लगा देता है तो मेरे में ही वास करता है भगवान में स्थित रहना त्रिगुणातीत और जगत में स्थित रहना ये त्रिगुण के अंतर्गत है

भगवान कह रहे ना अर्जुन से महामिश्वर युद्ध च मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर तो हमारी तो हर सेवा भगवान की पूजा है तो हम कर्मों से ऊपर उठ जाएंगे ऐसे कर्म हमें बांध लेंगे और जब हम कर्म को भगवान की पूजा मान लेंगे तो कर्म योग हो जाएगा और कर्म हमें बांध नहीं पाएंगे कर्म जो है शुभ अशुभ दो ही प्रकार के कर्म होते हैं वो हमें बांध नहीं पाएंगे क्योंकि हम भगवान के लिए जब कर्म करेंगे ना तो पूजा बन जाएगी जब अपने लिए कर्म करते हैं तो बंधन बन जाता है वो वासना पैदा करता है तो त्रिगुणातीत हमें करने के लिए सब में भगवत भाव और सब कर्म भगवान को अर्पित तो हम भी भगवान को अर्पित तो गुणातीत हम हो गए भगवाने भगवान ही गुणातीत करते भगवान कह रहे देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया बहुत कठिन है त्रिगुण माया को पार करना पर मामे ये प्रपद्यंते तो माया में तम तरन जो मेरी शरण में आ गए वो माया से तर जाते भगवान के शरण में होकर भगवान का नाम जप करते हुए भगवान के लिए सारे कर्तव्य कर्म करो तो संसार में रहते हुए भी आप योगी हैं और जंगल में रहे और मन विषयों का चिंतन करे तो वहां रहता हुआ भी वो भोगी ही है योगी चित्त से जो जो जुड़ा हुआ भगवान से है वही योगी है बाहरी कार्य तो हमारे संसारिक हो रहे हैं देखने में व्यापार है नौकरी है कोई पढ़ा रहा है कोई डॉक्टरी कर रहा है। पर ये सब भगवान की पूजा बन जाएंगे यदि नाम जप करते हुए उसे कर्तव्य मानकर भगवान के लिए हम करें तो निश्चित भगवान की पूजा बन जाएंगे और वो गुणातीत स्थिति को प्राप्त हो जाएगा इन्हीं गुणों के कार्य करते हुए भी में कार्य करते हुए भी वो गुणातीत जैसे कीचड़ में ही कमल खिलता है जल में ही पोषित होता है पर एक बूंद भी जल नहीं होगा निकाल के देख लो ऐसे ऐसे ही माया में शरीर है माया में है और माया में है सारे कार्य वर्ता हो रहे हैं लेकिन आप भगवान के चिंतन से स्थित होकर भगवत भाव से तो जीव जल में कमल का फूल रहे ऐसे माया में रहता हुआ त्रिगुणातीत हो जाता है समझ तो पा रहे आप आकांक्षा सिंह जी भोपाल से राधे राधे महाराज राधे राधे महाराज जी गुरुदेव गुरु में अनन्य भक्ति हो जाए और एक भी भाव गुरु के विमुख ना हो इसके लिए साधक को क्या करना होता है सबसे पहली बात तो है कि बच्चा बनना चाहिए बच्चा से कितनी भी बड़ी गलती हो जाए बच्चा माँ की गोद में हक देता है तो माँ गलती थोड़ी मानती नहीं क्योंकि बच्चा है तो हमारे यहाँ कहा गया है कि ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छीर है सिंहिन को छीर राय कुंदन के बासन कह बच्चा के पेट और घट करे विनाशन गुरु भक्ति बहुत बड़ी बात है आजकल इसी का दुरुपयोग हो जाता है अगर सच्चाई ना हुई तो इसी का दुरुपयोग हो जाता है गुरु भक्ति का हम गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चले अपने को छोटा माने तृणते नीच अपनपो कह भगवान की प्राप्ति के लिए अहंकार त्याग अत्यंत आवश्यक है तो तृणादिशुनिचे अपने को सबसे नीचा मानना है गुरु का सबसे छोटा बच्चा अपने को मान ले मुझे कुछ समझ में नहीं आता बस जैसे अपनी मां को हम अपनी माँ मानते हैं ना बस माँ गोरी है काली है गुणवान है कोई कभी नहीं देखता माँ सिर्फ माँ है ऐसे गुरु साक्षात पर ब्रह्म है और मुझे कोई ज्ञान नहीं है मैं जैसा भी हूं उनका हूं बस अगर हम इस सरलता से चले बच्चा बन के तो एक तो अपराध नहीं बनेंगे क्योंकि अपराध अहंकार से बनते हैं और अगर बनेंगे भी तो उसके ऊपर लागू नहीं होंगे जैसे छोटे बच्चे के द्वारा वो रसोई में लोग शंका कर दे छोटा बच्चा तो उसके वो डांटा थोड़ी जाता है तो अगर हम छोटा बच्चा बने तो हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया जाएगा और हमारी गुरु गुरुप्रियता ऐसी हो जैसे अपनी माँ से प्यार करते हैं माँ सिर्फ माँ होती है वो क्या है ये नहीं देखते ऐसे हमारे गुरु साक्षात पर ब्रह्म पर एक बात ध्यान रखनी है अगर उनके नाम दिया हुआ जो मंत्र उपासना उसमें चित्त नहीं जोड़ोगे तो फिर आप नहीं चल पाओगे गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र में सतत चित्त जोड़ना और अपने को सबसे छोटा समझना तो छोटा समझने से अपराध लागू नहीं होगा और नाम जब करने से आपके अंदर सदगुण प्रकट होंगे तो गुरु प्रसन्न तभी होते हैं जब जीव माया मुक्त हो जाए क्योंकि गुरु मंत्र किस लिए दिया जाता है माया मुक्ति के लिए दिया जाता है तो जो सच्चे भगवान मार्ग के पथिक है वो तुम दैन्य होकर भजन करो इसी से प्रसन्न होते हैं ये संसारिक वस्तुएं तो संसारिक को आनंद देंगी भक्तों को आनंद तो भजन देता है तो अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए भजन करें और अपने को छोटा समझे सरल भाषा में हम बता रहे जैसे हमारी मां ऐसे हमारे गुरुदेव सहज भाव गुरुदेव से हो और अंदर से हमारे अंदर तो हम गुरु को पर ब्रह्म देखें भावना में और उनके द्वारा उपदिष्ट नाम मंत्र का जप करें और अपने को छोटा समझे बस इसी से निरपराध गुरु भक्ति हो जाएगी अगर थोड़ा भी मान अभिमान है तो गुरु भक्ति में देखो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान मान रहित होकर चरणों की सेवा और सेवा का मतलब आज्ञा समना सुसाहिब सेवा संतों की आज्ञा पर ही पूरा अध्यात्म टिका हुआ वो जो आज्ञा कर दें वही धर्म विरुद्ध कभी आज्ञा माने भी नहीं ये भी ध्यान रखो उससे अगर सच्चे संत हैं तो बहुत प्रसन्न होंगे और अगर कच्चे हैं तो फिर भ्रष्ट हो जाओगे धर्म विरुद्ध कभी आज्ञा माने नहीं अगर वो आज्ञा भी कर दें धर्म विरुद्ध तो उसको माने नहीं तो उससे वो प्रसन्न हो जाएंगे और अगर वो सच्चे नहीं हैं तो फिर अगर आप आज्ञा धर्म विरुद्ध मानोगे तो भ्रष्ट हो जाओगे इसलिए हम अपने गुरुदेव को परब्रह्म माने पर ब्रह्म कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता ऐसी भावना करके और दूरी बना के रखें प्रगट में दूरी बना के रखे नहीं तो दोष हो जाएगा या तो दोष दर्शन हो जाएगा या तो आपका इतना अधिक प्रियता में तिरस्कार वृत्ति प्रकट हो जाती है अवहेलना करना शुरू हो जाता है अधिक प्रियता में तो गुरु की बात सुने और दूर रहकर भजन करे बस गुरु को प्रसन्न कर लेगा इसमें कभी कोई दोष नहीं होगा जैसे गुरु ने आदेश किया जाओ राम राम जपो कृष्ण कृष्ण जपो बस दूर सत्संग सुना और दूर से भगवान मानकर प्रणाम किया और अपना भजन कर रहे ये अधिक चिपकु स्वभाव नहीं होना चाहिए इसमें दोष वृत्ति आ जाएगी तो उससे मंगल हो जाए किसका प्रश्न था समझ पा रहे हाँ गुरु को मां की तरह माने उनकी आज्ञा का पालन करे दूरी बनाकर रहे और धर्म विरुद्ध जो आज्ञा हो कभी पालन ना करे परीक्षार्थ अगर कभी को कोई सिद्ध तो धर्म विरुद्ध आज्ञा करेंगे नहीं पर अगर धर्म विरुद्ध आज्ञा कर दे तो मानना नहीं इससे वो प्रसन्न हो जाएंगे इससे वो प्रसन्न हो जाएंगे और अगर धर्म विरुद्ध आज्ञा कोई भ्रष्ट पुरुष मान लो कोई दे तो हमारी बचत हो जाएगी धर्म विरुद्ध आज्ञा मानना ही नहीं है किसी की भी हो जी मैं पूजा करता हूँ बच्चा भी करता है और भी करता है वो लोग बहुत ही और मन से करते हैं अच्छे से बट मेरे अंदर श्रद्धा और आस्था नहीं आती मैं हर मंदिर जाता हूँ भगवान का डेली पूजा करता हूँ मतलब ऑफिस जाने से पहले बट मन में वो भाव नहीं आते कोई बात नहीं अगर हम जान करके आग को छुए तो जल जाएंगे ना अनजाने में छुए तो जल जाएंगे और धोखे में कोई जबरदस्ती छुआ दे कैसे भी आग का स्पर्श उसमें दाहिका सकती है वो जलाएगी जलाएगी हम किसी भी तरह भाव कुभाव अनक आलशु भगवान से जुड़े हमारा मंगल हो जाएगा इतनी तो पकड़ आने लगी कि मेरे अंदर वो भाव नहीं है मतलब कमी महसूस होने लगी एक दिन इस कमी की पूर्ति भी हो जाएगी नाम जब करते हैं कितनी देर करते हैं पाँच या दस मिनट ज्यादा से ज्यादा अगर चलते फिरते उठते बैठते वाला अभ्यास कर लो तो क्या जाएगा चल रहे हैं, नाम का चिंतन करते हुए जब कोई कर्तव्य आवे उस कर्तव्य का चिंतन कर लीजिए देखो सत्य बात यह है कि जो आप कार्य कर रहे हैं राष्ट्र सेवा इसका और भगवान के भजन का दोनों को एक मिला लो तो इस जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाना अति अनिवार्य है अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो बार बार जन्म बार बार मरण बार बार कब तक झेलते रहेंगे पता नहीं किस योनि में जाना पड़े इस बार तो आप मनुष्य बने इस बार स्वस्थ हैं हमारे राष्ट्र की सेवा में कहीं कोई कर्म ऐसा फंसा सकता है कि हमें अन्य योनियों में ले जाए तो इसके लिए मुझे सावधान रहना चाहिए राष्ट्र सेवा और भजन दोनों के प्रभाव से मुझे भगवत प्राप्ति होनी चाहिए यदि भगवत प्राप्ति ना हो तो फिर हम ऐसे ही जन्मे और अपनी राष्ट्र सेवा समाज सेवा में अपने प्राणों प्राण रूपी पुष्पों को समर्पित करें तो मनुष्य जीवन की जो उत्तमता है वो भगवत प्राप्ति के लिए तो मुझे लगता है अगर उठते बैठते चलते फिरते नाम जप करूँ तो कैसा रहेगा अभ्यास कीजिए और भाव बने न बने जैसे विष है ना अपना प्रभाव दिखा के रहता है अमृत है अपना प्रभाव दिखा के रहता है जब ये साधारण प्राकृतिक वस्तुएं अपना प्रभाव दिखा के रहती है तो तो भगवान सच्चिदानंद है वो क्यों नहीं अपना प्रभाव दिखाएंगे वो दिखा रहे हैं वही प्रभाव आपको यहाँ वृंदावन में देखो यहाँ खड़े की कहीं भी आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं भगवान तो घसीट ही रहे हैं आपके पर आपके अंदर जो भाव नहीं आ रहा नाम जब कीजिए देखिए आ जाएगा कम से कम पकड़ तो आ गई कि आपके अंदर वो भाव आपने पकड़ा तो अपनी कमी को वो धीरे से पूर्ण हो जाएगी क्योंकि आप गलत मार्ग पे नहीं चल रहे आप सही मार्ग पे चल रहे हैं तो आपको वो सही का फल आएगा भगवत भाव आएगा रवि गुप्ता जी राधे राधे महर्षि महर्षि इनकी दादी सतानवे साल की हैं उन्होंने एक प्रश्न लिया वो आ, आने में असमर्थ थे तो ये कह रहे हैं कि दादी जी कह रहे हैं कि हम सतानवे वर्ष के अयोग्य अशिक्षित वृद्ध हैं शक्तिहीन होने के कारण सन्मुख दर्शन से वंचित हूँ फिर भी वाणी द्वारा मोबाइल से दर्शन मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता रहता है हम छः बजे उठ जाते हैं एक घंटा मंत्र अब के बाद जल पीकर आपका सत्संग सुनते हैं दिन भर रात में मन स्थिर होने पर नाम नामजप होने लगता है कहीं वाणी जी का द्वारा भी श्वास के द्वारा भी चलता है गुरु मन की वृत्तियाँ एकाग्र नहीं रहती ये प्यास कैसे जागृत हो मन में अतीत की सारी बातें याद आती हैं मन में में इस उम्र भी हैं अब क्या कि पूर्वाभ्यास जो है ना उसको भजन के द्वारा नष्ट नहीं किया गया जीव का त्योर रखा हुआ है अब जो नया अभ्यास भजन का थोड़ा भी बना है तो वो उस कोटि का नहीं है जिस कोटि से हम उसको विध्वंस कर सके समस्त वासनाओं को भस्म तभी तो कहा गया है कि जब तक यौवन अवस्था है शरीर स्वस्थ है तो मन और बुद्धि को शासन में लेकर भगवत चिंतन के द्वारा हर वासना को नष्ट कर दे। अब जैसे इस समय वासना नष्ट हुई होती तो इस समय लीला चिंतन में समाधिस्थ भावना में डूबे कोई प्रश्न ही नहीं था इस समय अब जीवन तो व्यतीत हुआ संसारिकता में अब भगवान की कृपा से कम से कम इस अवस्था में वो नाम जप कर रहे सत्संग सुन रहे हैं तो अब वे चिंतन छोड़ें कि मन कहां भागता है मन की क्या वासनाएं प्राण सब कुछ समर्पित कर दें भगवान के आज का सत्संग सुना है तो आज के सत्संग में था कि भजन पूरा नहीं हुआ लेकिन भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली और उसका शरीर छूट जाता है तो भगवत प्राप्ति होती तो माता जी को ये बोलना कि इस सिद्धांत पे अप रहो अपने साधन बल से भगवत प्राप्ति का तो अब भाव छोड़ो जो बने नाम जप करो जितना सुनाई दे सत्संग सुनो नहीं एक भावना अंदर ले लो कि हे भगवान मैं आपके आश्रित हूं भरोसा भगवान की शरणागति भगवान का आश्रय इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी जी संसार में तो एक कहावत प्रचलित है कि भजन तो बुढ़ापे में करने का नहीं होता वो, वो तो केवल व्यर्थ की वार्ता है देखो सच्चा साधक है इनकी जो दादी है हमारे, सब, हमारे लिए तो स्त्री पुरुष का भाव नहीं साधक का ही भाव उन्होंने अपने मन को पकड़ा ना हाँ कह रहे हैं कि वो अतीत की बातें ही याद आती रहे सत्तानवे वर्ष के आयु है कितना परिपक्व मन हो चुका है कि अतीत जो जो बीता हुआ है संसारिकता की वो सब जिले उलझने हैं पूरे मन में उलझ मन उलझन में रहता है हाँ अब देखो ना समाधान नहीं हुआ ना चित्त का समाधान अगर चित्त का समाधान होता तो उलझन नाम की समस्या ही नहीं कोई समस्या नहीं शरीर भारी से भारी से पीड़ा से युक्त हो तो कोई समस्या नहीं भारी से भारी विपत्ति हो सामने तो कोई समस्या नहीं क्योंकि चित्त का समाधान परमात्मा आनंद से हो गया तो हमें लगता है शरणागति एक उपाय है शरणागति जो सभी आवासरणाई रखें ताई प्राण की नाई भगवान का वचन है भगवान की शरण में हो जाए अब पता नहीं कब अंतिम श्वास हो जाए और उस समय क्या चिंतन चले तो उस समय भगवान संभालेंगे भगवान के आश्रित तो हो जाए और जो बने वो नाम जप करें हर समय ये चिंतन रखे कि हे नाथ मैं आपकी आपके सिवा हमारा ना कोई साधन है और ना साध्य है आप ही हमारे साधन हो आप ही साध्य हो पक्का भगवान की कृपा पक्का जो भगवद आश्रित है भगवत शरणागत क्योंकि अब साधन का समय नहीं रहा ना उनके पास अब बताया जाए कि भाई एक घंटा आसन में कम से कम बैठ करके बार बार चित्त वृत्ति को जो संसार में जा रही उसको हटाकर प्रभु में लगाओ नाम में लगाओ चलो अभ्यास करो अभ्यास योग युग तेन चेतसा गामी चित्त कहीं जाए ना ऐसा वो वयो वृद्धा सत्तानवे वर्ष की अब नहीं होने वाला अब तो परिपक्व जैसे पक्की मटकी है ना उसे फोड़ कर आप कुछ नहीं बना सकते लेकिन जब तक आवे में नहीं तपी और कच्ची है तो आप फोड़ फोड़ कर जो चाहो बनाते जाओ अब वो पक्का हो गया स्वभाव सत्तानवे वर्ष की आयु अब वो पूर्व का कितनी परेशानियां मन दे रहा है कि अब केवल भगवत प्राप्ति की बात सोच ले अब केवल निरंतर नाम जब की सोच ले तो सो नहीं होगा वो मन बार बार विक्षेप इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा है कुमार अवस्था से भजन करना चाहिए ये जो लोग शिक्षा देते ना अरे जवानी कहीं भजन के लिए बुढ़ापे में भजन बुढ़ापे में परपंच होता है भजन नहीं होता ये तो कहो साधक प्रवृत्ति की है तो अपनी बात जान रहे नहीं बड़े बूढ़ों को देखो ना बेटा बहू के पीछे पड़े रहेंगे दरवाजे में बैठे बैठे, बैठे बस वचन बोलना अरे सब बर्बाद कर देगा अरे सब मतलब वही प्रपंच भरा भगवान की चर्चा भागवत चर्चा ये सब ने ये सब बहुत दूरी हो जाती है जो बचपन से भजन कर रहे हैं या जवानी से कर रहे हैं वो बुढ़ापे में भजन कर ले जाएंगे घर गृहस्थी में रहते हुए लेकिन जिन्होंने अभ्यास नहीं किया देखो ये तो आंतरिक अभ्यास है हम बाहरी अभ्यास कहते हैं कि जैसे कभी किसी ने गोली नहीं चलाई तो आप बुढ़ापे में कहो से गोली चलाओ तो नहीं जाए अगर वो आर्मी में रहा अभ्यास किए तो वो लेटे लेटे चला देगा उसको बैठने की भी जरूरत नहीं क्योंकि इतना अभ्यास है एक सेकंड में वो लोड करके मार देगा गुण तो अच्छा आप बताओ आपने कभी चित्त को भगवान में लगाने का अभ्यास नहीं किया तो आप बुढ़ापे में कैसे कर लेंगे जब एक बाहरी यंत्र लक्ष्य में निशाना लगाना अगर कभी नहीं किया तो नहीं कर पाएंगे तो आंतरिक लक्ष्य में कैसे निशाना लग जाएगा उसका अभ्यास जब आपने किया तभी तो लग पाएगा तो उन माताजी से बस इतनी प्रार्थना कर दो कि भगवान की शरणागति की बात कही कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं अब मेरा अंतिम आपकी कृपा से होगा मेरे में कोई साधन नहीं तो भगवान अंतिम सुधार देते हैं शरणागति में बहुत दम है साधन का तो समय नहीं रह गया सत्तानवे वर्ष की अवस्था है भगवान और कोई छवि जो प्रिय हो और कोई जो छवि प्रिय हो छवि समझते हो ना वो छोटी सी लाके बार बार उसको दर्शन है वो है उनके कमरे में ही के कम... कमरे में इतनी छोटी जो सिलाने रखी हुई बार बार देखे थी राम जी की फोटो लगी है उनके बिस्तर के पास हाँ हाँ एक छोटी सी बना के दे दो जो ऐसे बार बार देखें अगर नेत्र काम कर रहे हो तो हमारी स्मृति जुड़े छवि से प्यार हो जाए तो भगवान तो सर्वत्र है ना तो छवि में भी है तो नाम जब और छवि का चिंतन और अंदर से कि मैं भगवान की शरणागत हूँ भगवान के आश्रित हूँ महाराज जी अगर जो संत भगवान जैसे आपने बहुत सारे संतों का सानिध्य किया तो जिन संतों ने बचपन से ही भजन प्रारंभ किया तो उनके क्या चलता है महाराज जी उनके प्रभु का ही चिंतन केवल अब जैसे कोई कहता भजन नहीं अब जैसे कोई कह पूछता भजन में हमारी मतलब त्रुटि हो जाती है तो उनका भजन नहीं चलता तो चल क्या रहा है अब देखो अपना कोई है नहीं अपना कोई कर्तव्य नहीं और अपने जान गए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या अब भजन कैसे छूट सकता है और बचपन से अभ्यास किया उठते बैठते चलते फिरते वही दिमाग दिमाग में वही जैसे एक संसारी आदमी के दिमाग में नहीं वही प्रपंच बड़ा होता है ऐसे बचपन से अभ्यास किया तो दिमाग में केवल भजन केवल दिमाग और आई क्या एक सेकेंड छोटो फटो से वृत्ति जैसे संसार में देखो एक सेकेंड चुप हुई तो वृत्ति चली जाती है ना ऐसे अपने लोगों के एक सेकंड चुप हुए फौरन गोल फौरन गए तो अभ्यास ऐसा और अगर संत वेश भी है और जीवन में गृहस्थी का प्रयोग रहा और भजन का अभ्यास नहीं तो उसमें अंतर मिलेगा वो जब बैठेगा बातचीत होगी तो अंतर होगी चित्त की वृत्ति का भगवदाकार होना ये बहुत कठिन बात होती है और ये एक बार हो जाए तो फिर ये लौटती नहीं है एक बार भगवदाकार वृत्ति हो गई तो फिर लौटती नहीं तो जो भाग्यशाली जन है जवान से इसीलिए जैसे वो जवान बच्चा कह रहा था आत्मज्ञान की, की बात तो हम कहा पहले तो हम तुम्हें धन्यवाद देते कि इस अवस्था में आप परमार्थ की तरफ चल रहे क्योंकि इस अवस्था में अगर चलने लगा तो अब यह स्वस्थ अवस्था है शरीर स्वस्थ है अब वो घसीटने लगेगा मन को बार बार घसीट कर नाम में भगवान में लगाएगा तो आगे चलकर करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान रस्सी आवत जाति ही सिल पर होत निशान तो वो बहुत जल्दी अपने आप को संभाल पाएगा भाई यौवन अवस्था में सब कुछ होते हुए और जब विषयों का त्याग किया वो त्यागी माना जाता है हाँ यौवन अवस्था में विषयों से चित्त को हटा के प्रभु में लगा दिया अब उसकी वृद्धावस्था बड़ी मंगलमय जाएगी ऐसे गृहस्थ है बड़े भजनानंदी गृहस्थ है बहुत सुंदर गृहस्थ हैं कि जो भजन परायण संयम है क्योंकि जवानी से उन्होंने भगवद आचरण किया अब वृद्धावस्था में अपने भजन संयम में लगे अब जवानी भर प्रपंच में बिताया तो वृद्धावस्था में कैसे भजन हो जाएगा अभ्यास नहीं तो ये प्रपंच का चिंतन रहता है पर चलो जैसे भी बने वैसे भाव कुभाव अनखालस हो नाम जपत मंगल दिश हो तो दिमाग में जब तक हमारे भगवान नहीं भरेंगे तब तक बात नहीं बनेगी और उसके लिए हमें अभ्यास चाहिए अब बुढ़ापे में क्या अभ्यास होगा ना तो आसन में बैठ सकते हैं ना हम श्वासों को संयम में रख सकते हैं अब शरीर शिथिल हो गया है अब मन परिपक्व हो गया मान लो सत्तर वर्ष व्यतीत हो अब मान लो मैया को बताया सत्तानवे वर्ष इस संसार में व्यतीत हो गए अब वो परिपक्व मन कैसे प्रभु में लगे अब उसके लिए तो समय चाहिए था वो समय संसार में दे दिया इसीलिए कहा जाता है कि बड़े भाग्यशाली जो जवान अवस्था में भजन में चलते हैं पर माया भजन नहीं करने देती जो है घर वाले कहते हैं अगर तुम कंठी बांधे बाबा जी के सत्संग सुने नाम जप किए तो कहते हैं हम शरीर नष्ट कर देंगे घर वाले कहते हैं जवान के लिए निषेध वो सोचते हैं कि भजन करना अभी ठीक नहीं है एक वो आए थे यहाँ बता रहे थे कि हमारा मोबाइल तोड़ दिया कि बाबा कब सत्संग नहीं सुन सकते उनको लगता है सत्संग सुनेंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा सत्संग सुनने से बुरा हो जाएगा क्या नाम जपने से अच्छा शराब पी रहे हैं बच्चे गंदे आचरण कर रहे हैं व्यसन कर रहे हैं तब माता पिता सोचो सत्संग सुनेंगे तो उनकी गंदी बातें छूट जाएंगी उनके गंदे आचरण छूट जाएंगे भगवान में चलेंगे तो कुछ माता पिता भी ऐसे हैं कि अगर जवान भजन करना चाहें तो उनको सहयोग नहीं देते उनका विरोध करते हैं क्योंकि उनको लगता है अगर भजन करेगा तो कहीं बाबा जी ने बन जाए ऐसा लगता है अरे बाबा जी बनना खिलवाड़ समझते हो देखो बाबा जी का नाटक करना तो खिलवाड़ है लेकिन बाबा जी बन करके चलना बहुत कठिन बात है सोचो तुम थोड़ी देर के लिए हम तुम्हें बाबा जी के हृदय में ले जाते हैं क्या काम बाबा जी को नहीं सताता क्या परिवार का प्रियता नहीं बाबा जी के हृदय में क्या बाबा जी का हृदय पत्थर का होता है क्या उनको नहीं लगता कि कोई हमें प्यार करे क्या उनको नहीं लगता कि कोई हमारा हो जब तक भगवान नहीं मिल जाते तब तक जैसा तुम्हारा हृदय वैसा हमारा हृदय होता है उन सब बातों की पीड़ा को सहना होता है केवल खाना पीना कपड़े ही सुख होता है क्या सोचो थोड़ी देर सोचो आप अपने मन को आप परिवार से अलग कितने दिन रह सकते हो आपको कोई प्यार शब्द से संबंध ही नहीं है आपको मनोरंजन शब्द से संबंध ही नहीं है और आपको बहुत पूरे जीवन हर इंद्री को रोकना है हर इंद्री को जबान नेत्र कान जनेन्द्री सब इंद्री को कोई भोग नहीं भोगना है और पूरा हृदय जलता हुआ पूरी जिंदगी चूक हो गई तो नरक आप भगवान की जब प्राप्ति हुई तब बात अलग है और जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती तो भयानक कष्ट भोगना होता साधु को वो संसारी पुरुष नहीं जानते वो नहीं जानते क्योंकि तुम्हें तो भूख लगी खा लिया तुम्हें तो भोग की इच्छा हुई भोग लिया तुम्हें तो देखने की इच्छा हुई देख लिया वहां वहां देख नहीं सकते भोग नहीं सकते छू नहीं सकते और जन्म जन्मांतर का अभ्यास है और उसको सहना बहुत कठिन सहते, सहते 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 जलते जलते, जलते जब भगवान को इसीलिए तो टूट जाते हैं भगवान की प्राप्ति बैलेंस बनाने से नहीं होती एक पक्ष एकदम आ जाए संसार के समस्त भोगों का त्याग रात दिन भजन जलते हुए जब भगवान को प्राप्त कर लिया तब तो बात अलग और जब तक प्राप्ति नहीं तब तक भयानक कष्ट रहता है सोचो मन अब चाह रहा है कोई भोग नहीं मिलना कोई मनोरंजन नहीं क्या मनोरंजन क्या मनोरंजन किसी रिश्ते नातेदार से मिल सकते हैं नहीं किसी से मतलब माता पिता भाई परिवार संसार संबंध सब आप सोचो जा थोड़ी देर कि जेल में भी ऐसी जिंदगी नहीं होगी अगर सच्चाई से साधु में चले तो जेल में भी कम से कम हंसी मजाक तो वो चार मिल करके कर लेंगे तो बहुत कठिन है अब आप गृहस्थी में रहकर भगवान का नाम जब करते हुए यदि भजन करते हैं तो वही गति होगी आपकी बस संभाल के अपने से पाप ना होने पावे गलत ना होने पाए और नाम जब कर ले जाओ तो देखो आप आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा पर हम ये कहते हैं कि जैसे लोगों को डर हो कि अगर हमारे लड़का मोबाइल से सत्संग सुनेंगे तो बाबा जी बाबा जी बनना खिलवाड़ नहीं बाबा जी का नाटक करना खिलवाड़ है आप समझ लेना शुद्ध बाबा जी बलला भगवान के लिए जीवन अर्पित करना आग पे चलना है प्रभु आग पे आग पे चलना है वो हम जाने मोरी छाती क्योंकि बचपन से देखा है ना बहुत कठिन है माया से मुक्त होना सोचो ना बहुत कठिन है कई कई दिन भोजन नहीं सर्दी गर्मी बरसात सब है ना ऊपर से लोग गाली दे रहे हैं अपमान कर रहे हैं कोई प्रोत्साहन देने वाला नहीं कि क्या बात बेटे बहुत अच्छे चल रहे हो कोई प्रोत्साहन देने वाला नहीं तब चलते 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 ये यात्रा जीवन की इसलिए भजन जरूरी है जीवन जीने के लिए तुम सब कुछ कर रहे हो लेकिन जीवन का लक्ष्य भगवान है वही तुम्हें असली सुख असली शांति और वही असली हमारे में है ये सब छूट जाएगा आज नहीं तो कल छूट जाएगा इसलिए भजन परायण रहो चाहे जवान हो चाहे वृद्ध हो चाहे बालक हो पता नहीं कब मृत्यु हो जाएगी पता नहीं जवान के बाद बूढ़े होंगे हम कोई भरोसा ले सामयिक का औपधार जाए तो हम अभी से राधा 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 राधा, 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 राधा। अभी से कृष्ण 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 नाम जब करे जिससे हमारा मंगल हो डॉक्टर ऊर्जा सचदेवा जी हरिद्वार महाराज जी श्री हरिवंश महाराज जी हम सबका जन्म हरि नाम जपने के लिए हुआ है परंतु हमें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि कुछ और भी कारण अवश्य होगा उस कारण को कैसे ढूंढे मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है केवल जगना है बस स्वप्न का जो दुख सुख है वो केवल जगने से जाएगा ना आप स्त्री हो न यहाँ कोई पुरुष है न यहाँ कोई कर्तव्य है स्वप्न का कोई कर्तव्य होता है क्या बड़ा मेहनत किया स्वप्न में जगे तब तब सब झूठा हुआ ना स्वप्न में आपने सौ लोगों को भोजन पवाया और सौ लोगों को जान से मार दिया जो जगने के बाद आपको क्या पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा है? कुछ चले लगे क्यों किया तो था स्वप्न में भंडारा किया स्वप्न में मारा तो क्या उस समय क्या झूठा लग रहा था स्वप्न में नहीं लग रहा था ना जग गए तब लगा ना तो उमा कहा अनुभव अपना हरि बजल जगत सब सपना तो अब आप आपको लग रहा है और कोई कर्तव्य है तो ये स्वप्न में लग रहा है अगर जाग के देखो तो स्वप्न में एक आप ही थे ना कोई वस्तु था ना कोई व्यक्ति था न दुश्मन था न कोई दोस्त था ये पता तब चला जब आप जगे स्वप्न में जैसे हम कई बार कहा समुद्र में डूब रहा हो कोई अब उसको कैसे बचाया जाए बहुत से तैराक बुला लिए जाए नौका बुला ली जाए सब व्यवस्था कर ली जाए तो क्या स्वापनी पुरुष को बचाया जा सकता है क्या जो स्वप्न में समुद्र में डूब रहा है कुछ उपाय नहीं करेगा उपाय एक करेगा उसको पकड़ के दे, जगा दो एक बूंद पानी है ना वो डूब रहा है ना कोई परेशानी है समझ रहे हैं ना लेकिन उस समय उसको परेशानी है जब डूब रहा है जब बिना जगे उसको ये दुख से दूर नहीं किया जा सकता ऐसे ही हम लोग अपने को स्त्री मान लिए पुरुष मान लिए ये स्वप्न है अब हमारा कर्तव्य बन गया कि पति की सेवा पत्नी की सेवा पुत्र की सेवा सब अब ये पूरा स्वप्न चल रहा है और जब आखिरी में यहां से तो ना कोई पति ना कोई पुत्र ना कोई कुछ जीव अकेला उड़ा दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा हंसा जब जब उड़ा तो अब तो क्या कर्तव्य था वो भूल करके फिर नाना प्रकार की माया का चिंतन करके अगले जन्म की व्यवस्था कर ली हमारा तो उद्देश्य यह है कि अपने कर्तव्य का पालन करो स्वांग की तरह स्वांग में जैसे नहीं थोड़ी देर के लिए आप किसी की पत्नी बने या थोड़ी देर के लिए आप मित्र बने थोड़ी देर के लिए आप जो भी बने तो बढ़िया स्वांग करते हैं ना तो डायरेक्टर इनाम देता पैसा देता है ऐसे हम हमें भगवान ने एक स्वांग भेजा है मान लो हमें गुरु का स्वांग दिया किसी को शिष्य का स्वांग दिया किसी को प्रश्नकर्ता का किसी को उत्तर देने का स्वांग बहुत से स्वांग है तो अपने स्वांग को अच्छी तरह निभाओ लेकिन स्वांग को स्वांग रहने दो नाटक को नाटक रहने दो रोल को रोल रहने दो अगर आप जो एक घंटा किसी की पत्नी बनी स्वांग में और इसके पीछे तो आप उसे यही कहोगे मर्यादा में रहना ऐसे ही ये साठ सत्तर वर्ष पचास वर्ष का स्वांग मिला है पिता का पुत्र का पत्नी का माता का अलग अलग हमको इस स्वांग में कमी नहीं रहने देना जो स्वांग है उसको यथावत करना है पर यह ध्यान रखना है स्वांग करने वाले को याद रहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं हूँ मैं कुछ और हूँ केवल ये थोड़ी देर मंच पर मैं कर रहा हूँ तो नाटक भाई भवा इस संसार रूपी मंच में हमें जो स्वांग मिला है वो हम करें पर हम ये याद रखें कि मैं स्वांग नहीं हूं मैं सत्य सच्चिदानंद का स्वरूप हूं न स्त्री हूं न पुरुष हूँ, पर अब ये बिना जाने अगर स्वांग में फंस गए तो अगला स्वांग तैयार है वो चाहे सुअर का मिले कुत्ता का मिले गधा का मिले कौन ही उनमें जाना पड़े और अगर जान गए अपने आप को बढ़िया स्वांग किया दो बातें स्वांग बढ़िया और अपने को याद रखा कि मैं ये नहीं हूं तो डायरेक्टर जो है परमात्मा वो इस तुम्हें स्वांग से हटा देगा और अपनी लीला में दिव्य लीला में सम्मिलित कर लेगा अपने स्वरूप में समाहित कर लेगा हमारा जन्म हुआ है अपने को जगाने के लिए अपने को जानने के लिए अपने को पाने के लिए हम पराये में फंसे हैं, ये शरीर अपना नहीं है ये मन अपना नहीं है ये इंद्रिया अपना नहीं है जगत के संबंध अपने नहीं हमारा पूरा जीवन पराये पे जा रहा है अपने पे नहीं हम अपने को पाने के लिए अपने को जानने के लिए अपने आनंद के लिए हमारा जन्म हुआ है अब हम शरीर आनंद को अपना मान रहे हैं रुपए के आनंद को अपना मान रहे हैं नाना प्रकार के रिश्ते भोगों के तो पर में फंस गए ना प्रकृति में फंस गए ना मना कस्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर अब इसी से जीतना है अब मन की देखो तो ये बहुत चाहते हैं सबसे बड़ी चाहत है कि कोई हमें प्यार करे सब जीव में पशु पक्षी में सबके अंदर क्योंकि भगवत अंश है ना तो प्रेम स्वरूप है ना तो लगता है कोई मुझे प्यार करे और वो मुझे जो लगता है वो शरीर को लेके है देखना शरीर को लेकर है कोई मेरा ऐसा साथी हो जो आजीवन केवल मुझे प्यार करे और मैं कभी मरू ना देखो हमारी जो चाहते हैं मैं मेरे को कोई प्यार करे मेरा साथी ऐसा हो जो कभी बिछुड़े ना और मैं कभी ना तीन बातों पर ध्यान देना जो जिस डिपार्टमेंट में जहां है वो सबसे बड़ा बनना चाहता है यही भगवान का स्वरूप है क्योंकि सबसे बड़े भगवान है मरुना अविनाशी भगवान है प्रेम करे कोई भगवान प्रेम समुद्र है तो हम भगवान से ही प्रेम करके भगवान को ही पा करके भगवान को ही जान करके तृप्त हो सकते जगत को नहीं जगत में यहां अपने को जो लगता है कि सामने वाला प्रेम करता है तो उसके लायक कुछ है इसलिए प्रेम करता है और जिस दिन आपसे बढ़कर कोई मिल जाएगा, आपकी तरफ देखेगा नहीं जिस दिन आपके पास जो देख रहा है वो नहीं होगा तो उस दिन वो आपसे प्रेम नहीं करेगा लेकिन सब त्याग दे तो भी भगवान कभी अपने जन का त्याग नहीं करते प्रेम का निर्वाह तो सिर्फ भगवान करते हैं जगत में तो रोना पड़ेगा और ठोकरे लगेंगी यहां कोई किसी को प्यार नहीं करता जब तक स्वार्थ की पूर्ति तब तक प्यार है नहीं त्यार क्यों ऐसा लगता है कि हम बाबा जी हम को लगता है आप सही बताओ संसार में सबको एक प्रेम की भूख है वो किससे पूर्ण हो रही आप देखो बोला कहीं प्रेम की पूर्ति हो पा रही क्या अब क्या चाह रहा हूं निर्णय तो नहीं कर पा रहा पर उसको लग रहा है कि नहीं यार मतलब जो मैं सोच रहा था वो नहीं है जो मैं चाह रहा था, वो तब मिलता है जैसे केवट भगवान के जब चरण धो रहा है तब वो कह रहा है बहुत काल में कीन मजूरी आज दीन सब भी पूरी, अब नाथ न चाहिए मोरे नाथ हम मुझे नहीं चाहिए जिसके लिए मैं तड़प रहा था वो मिल गया अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखार जब भगवान के चरण मिले तब हृदय से निकला अब नाथ चाहे हुए गोस्वामी जी कह रहे पायो परम विश्राम राम समान प्रभु ना ही कहूं आज मैं परम विश्राम प्राप्त कर लिया क्योंकि मुझे राम जी मिल गए तो मुझे लगता है कि हमारे अंदर जो ये रहता है कि कुछ प्राप्त करे वो लौकिक नहीं होना चाहिए वो श्री भगवान होने चाहिए नहीं तो आज शरीर स्वस्थ है कल हो सकता है भयानक कष्ट से पीड़ित हो जाए तो यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम यावत से जरा जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है तुम भजन कर लो नहीं अस्वस्थ होने पर भजन नहीं होता फिर तो चिंतन उन्हीं का कष्ट ही को होता रहता यहां दर्द यहां परेशानी अब अपने लोगों क्या है बचपन से भगवान की कृपा से लगे रहे तो सारी बातें समझ में आ गई तो अब यह थोड़ी कि कष्ट है तो चित्त खींच लेगा जैसे तुम्हारे शरीर में कष्ट हो और मुझे पता हो ऐसे मेरे शरीर के कष्ट का उतना ही है जितना तुम्हारे शरीर के कष्ट का पता हो तो लगेगा नहीं मेरे बड़ा कष्ट है बस तो ऐसे ही लगता है और हर समय आनंद रहता है अगर भगवान से न जुड़े होते तो दुर्गति हो जाती इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं अभी शरीर स्वस्थ है जितना बने उतना नाम जप कर लो और इतना तो ज्ञान प्राप्त ही कर लो कि ये शरीर टिकेगा नहीं बाल्यावस्था नहीं टिकी तो यौवन अवस्था कैसे टिक जाएगी यौवन अवस्था जय गई तो बुढ़ापा आ गया भारी दुख वाला फिर मृत्यु आ गया इसलिए भजन करके पहले शरीर राग का त्याग कर दो जीते जी जीवन मुक्त हो जाओ खूब नाम जप करो सत्संग सुनो और अपने कर्तव्य का पालन करो इसी से काम बन जाएगा भगवान बहुत कृपाल हुए बिना भगवान की शरण के शुद्ध ज्ञान नहीं होता सोई जाने जे देह जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए भगवान से प्यार करो भगवान का नाम जप करो उन्हीं की शरण में रहो राधा 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 他。